हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। संजय, जय श्री कृष्ण। संजय जी महाराज। कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन तो अब अपना गांडीव उठाने और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया होगा। अभी कहा महाराज, भगवान के दुर्लभ दर्शन के परम आनंद से इस समय तो अर्जुन का रोम रोम कांप रहा है। हे अर्जुन, तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरा विराट स्वरूप और चतुर्भुज रूप दोनों ही के दर्शन कर लिए। हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं आभारी हूं। आपके विराट और चतुर्भुज रूप के दर्शनों के बाद मेरा मन सारे विकारों से मुक्त हो गया है। केशव, अब मुझे कुछ और नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना। हां, मुझे अपना शिष्य समझकर तुम्हें यदि कोई अंतिम उपदेश देना हो तो उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपने मन की झोली फैला रखी है। यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन जो तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है तो सुनो, मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है कि अब तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है वो सब भूल जाओ। बलवान एक और पांचों पांडव संग थे कृष्ण भगवान। धर्म अधर्म का युद्ध महान महाभारत संग्राम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। धन शकुनी मामा ने द्यूत क्रीड़ा रचाई थी। पांडव सारे दाव हारते हार गए द्रौपदी भी। हरी सभा में वस्त्र हरण करवाता है दुर्योधन। किसी ने किया विरोध नहीं, ना गुरुजन ने ना पितृजन। चीख रही द्रौपदी बिचारी, लाज बचाए कौन। शक्तिहीन बैठे सब पांडव, सारी सभा है मौन। फिर द्रौपदी की लाज बचाते आके कृष्ण भगवान। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम। व्यूह से वीर अभिमन्यु निकल नहीं जब पाया। सात दुष्टों ने एक बालक को एक एक करके मारा। कर्ण ने मां को वचन दिया, पुत्र रहेंगे जीवित पांच। जीवन देकर वचन निभाया, वचन पे आने दी ना आज। गांडीवधारी अर्जुन के सारथी कृष्ण भगवान। युद्ध भूमि में सत्य धर्म का देते गीता ज्ञान। तेरा कर्म ही विजय दिलाएगा, तू सोच नहीं परिणाम। महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महासंग्राम, महाभारत महा
स्वरूप त्रिभुवन राया तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। धन्य है यह विराटतम रूप धन्य है यह विराटतम रूप जिसमें ब्रह्मांड विराट समाया तुम्हारी जय जय त्रिभुवन राया। It's 11 o'clock. प्रभु हम मृत्यु लोक के प्राणी निर्बल याचक और अज्ञानी कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव कृष्ण हरे। ओ सेवा का फल बस यही मांगे जन्म जन्म तुम पद अनुरागे कृष्ण हरे गोविंद हरे मोहन माधव कृष्ण हरे। 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। श्री कृष्ण संजय। जय श्री कृष्ण संजय। जी महाराज। कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन करने के बाद अर्जुन तो अब अपना गांडीव उठाने और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया होगा। अभी कहा महाराज, भगवान के दुर्लभ दर्शन के परम आनंद से इस समय तो अर्जुन का रोम रोम कांप रहा है। हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, आपने ठीक ही कहा है कि आपके विराट रूप के तेज को मेरी आंखें सहन नहीं कर पाएंगी। आपका यह विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के मारे व्याकुल हो रहा है। आपने विराट रूप के दर्शन के लिए मुझे दिव्य दृष्टि तो प्रदान कर दी, मगर इन आंखों में इतनी सहन शक्ति, इतनी क्षमता भी नहीं है कि आपके इस परम तेजस्वी रूप को और अधिक ग्रहण कर सके। इसलिए हे विश्वनाथ, हे प्रभु, मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि मेरी घबराहट और व्याकुलता को दूर करने के लिए प्रभु मुझे अपना शीतल रूप दिखाइए। मैं आपके दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन से अपना मन शांत करना चाहता हूं। आप फिर से शंख पद्म गदा धारण करके अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन देने की कृपा करें। हे भक्त, मैंने तुम्हें पहले जता दिया था कि तुम मेरे विराट स्वरूप के तेज को सहन नहीं कर सकोगे। फिर भी केवल तुम्हारा मान रखने के लिए मैंने यह विराट रूप धारण किया और अब तुम्हारी दूसरी प्रार्थना को भी स्वीकार करता हूं और तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं चतुर्भुज रूप धारण करता हूं। जय श्री कृष्ण।
हे जनार्दन, आपका विराट रूप देखकर मेरा मन भयग्रस्त हो गया था, परंतु आपके इस चतुर्भुज रूप के दर्शनों से मेरा चित शांत और मन स्थिर हो गया है। परम भाग्यवान है जो तूने मेरा विराट स्वरूप और चतुर्भुज रूप दोनों ही के दर्शन कर लिए। हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं आभारी हूं। आपके विराट और चतुर्भुज रूप के दर्शनों के बाद मेरा मन सारे विकारों से मुक्त हो गया है। हे केशव, तुमने मेरे मन में ज्ञान की ज्योत जलाकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है। मेरे मन से मोह और भ्रम के सारे पर्दे उठ गए हैं। अब मैं अपने आप को तुम्हारी हर आज्ञा के अधीन करता हूं। हे अर्जुन, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे परम संतोष हुआ है। मैं प्रसन्न हूं अर्जुन, बहुत प्रसन्न हूं। फिर यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई शंका, कोई आशंका या कोई प्रश्न हो तो। नहीं माधव, अब इस मन में कोई शंका, कोई आशंका, कोई संशय नहीं। मन में अब केवल विश्वास और श्रद्धा है। केशव, अब मुझे कुछ और नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना। हां, मुझे अपना शिष्य समझकर तुम्हें यदि कोई अंतिम उपदेश देना हो तो उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपने मन की झोली फैला रखी है। मुझे जिसके योग्य समझो वही अंतिम उपदेश प्रदान करो। सचमुच मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो? हां केशव, अब तक जितना मैंने पूछा उतना ही तुमने बताया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्नों की सीमाओं से भी परे जो और है वो अपनी इच्छा से तुम मुझे बताओ। यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन जो तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है तो सुनो, मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है कि अब तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है वो सब भूल जाओ। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरी शरण में इस प्रकार आओ, जैसे कांटों से लहू लुहान और कीचड़ से लथपथ एक बालक रोता रोता भागकर अपनी मां की गोद में पनाह लेता है। और जिस प्रकार मां उसके शरीर से सारा गंध और कीचड़ धोकर उसे फिर से एक फूल की तरह निर्मल और स्वच्छ बना देती है, हे अर्जुन, उसी प्रकार मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा और समस्त संसारी बंधनों से मुक्ति देकर तुम्हें शाश्वत शांति प्रदान करूंगा। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों के भेद भुला
शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वाह प्रभु वाह, हे भक्त वत्सल, ये बात आप ही कह सकते हैं। इसके बाद और कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे केशव, सारे बंधनों से मुक्त होकर अब मैं अपने आप को तुम्हारे श्री चरणों में अर्पित करता हूं। मुझे आज्ञा दो कि अब मैं क्या करूं। हे अर्जुन, अब तुम धर्म क्षेत्र में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए आगे बढ़ो। अपना गांडीव उठाकर उसकी प्रत्यंचा खींचो और अपने गांडीव की टणत्कार से युद्ध की घोषणा करो। महाराज, अर्जुन ने अपना गांडीव फिर से उठा लिया। कार की जैसे युद्ध की घोषणा कर रहा हूं। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब अर्जुन शस्त्र अवश्य उठाएगा। महाराज, एक विचित्र बात हो गई है। भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश को सुनने के लिए साक्षात समय भी ठहर गया था और सारी सेनाएं जो अचल और स्तंभित हो गई थी जैसे फिर से सजीव हो गई हैं। गोया नींद से अचानक जाग पड़ी हूं। इसका अर्थ है कि अब कुछ ही क्षणों में युद्ध आरंभ होगा। हाँ महाराज, युद्ध आरंभ होगा और मुझे विश्वास हो गया है कि धर्मात्मा पांडव अपनी विजय की ओर अग्रसर होंगे। हे अर्जुन, तुमने अपने गांडीव की टणत्कार से युद्ध की घोषणा तो कर दी है, अब अपने सारथी को आज्ञा दो कि मैं क्या करूं। केशव, मैं तुम्हें आज्ञा दूं? हे अर्जुन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इस युद्ध में मैं तुम्हारा सारथी हूं और तुम मेरे महारथी हो। मुझे तुम्हारे इस रथ के घोड़ों की लगाम थामना है और तुम्हें गांडीव की प्रत्यंचा। इसलिए हे अर्जुन, जब तक तुम आज्ञा नहीं दोगे तब तक मैं इस रथ को आगे कैसे बढ़ा सकता हूं।
हे महारथी आज्ञा दीजिए। हे महारथी कृपया करके आज्ञा दीजिए। हे पार्थ सारथी, रथ को पांडवों की सेना में वापस मेरे निश्चित स्थान पर ले चलो। जो आज्ञा। बताते क्यों नहीं? महाराज चुप इसलिए हूं कि अब युद्ध आरंभ होगा। महाराज यह तो अनहोनी हो रही है। अनहोनी हो रही है, परंतु हो क्या रहा है संजय? महाराज ज्येष्ठ पांडव महाराज युधिष्ठिर अपने सारे शस्त्र उतार कर रथ में रख रहे हैं। युधिष्ठिर को नई गीता सुनाएगा। ये तो चमत्कार ही हो रहा है। युधिष्ठिर हम कौरवों के सामने हाथ जोड़े आ रहा है। बोलो भैया। राधाश्री 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 राधाश्री। महाराज आप हमारे बड़े भाई होकर हम सबको छोड़कर शत्रुओं की ओर क्यों जा रहे हैं? अरे जिस सेना में दुर्योधन कृपाचार्य द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे योद्धा हो उससे युद्ध करने का साहस तो कोई मूर्ख ही कर सकता है। हाँ इस युधिष्ठिर को ना तो जुआ खेलना आता है ना युद्ध लड़ना। युद्ध से पहले ही घबरा गया। क्षत्रियों के नाम पे बट्टा है युधिष्ठिर। हाँ आपने तो सारे शस्त्र भी रख दिए हैं। यूं हथियार डालना उचित नहीं है महाराज, आखिर हम क्षत्रिय योद्धा हैं। हे भरत श्रेष्ठ आखिर आपके मन में क्या है? मैं बताता हूं युधिष्ठिर के मन में क्या है। युद्ध से डरकर दुर्योधन की शरण में जा रहा है वो कायर। युद्ध आरंभ के समय क्षत्रिय के आगे यूं हाथ जोड़कर जाना उचित नहीं होगा। इससे पांडवों की सेना का साहस टूट जाएगा और शत्रु सेना की हिम्मत बढ़ेगी। हां महाराज वापस चलिए और युद्ध करने का संकेत दीजिए। नहीं मैं युद्ध करने का संकेत देने की अवस्था में नहीं हूं। अरे तुम सब लोग मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? चिंता मत करो, धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध से पहले अपना धर्म निभाने गए हैं। धर्म निभाने? हाँ धर्मराज अपने पितामह और गुरु द्रोणाचार्य तथा दूसरे पुरखों के चरण स्पर्श किए बिना और उनकी आज्ञा के बगैर युद्ध कैसे कर सकते हैं? इसीलिए धर्मराज अपने पुरखों से युद्ध आरंभ करने की आज्ञा लेने गए हैं। यदि वो ऐसा न करते
तो इस धर्म युद्ध का आरंभ अधर्म से होता। हे पितामह, ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि जिन चरणों की पूजा और सेवा मुझे करनी चाहिए, आपके उन्हीं चरणों को छूकर आप ही के विरुद्ध युद्ध करने की आज्ञा मांगने के लिए मुझे आपके पास आना पड़ा। पितामह, हम पांडवों को युद्ध करने की अनुमति और अपना आशीर्वाद दीजिए। हे धर्मराज, मुझे तुमसे इसी शिष्टाचार की आशा थी। तुमने अपना धर्म निभाते हुए अपने पुरखों से अनुमति मांगकर बहुत अच्छा किया। मन प्रसन्न हो गया तुम्हारे इस शिष्टाचार को देखकर। परंतु हे धर्मराज, मैं तो प्रतिज्ञावत हूं, इसलिए अधर्म का युद्ध करने के लिए विवश हूं। परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद तथा आज्ञा देता हूं कि इस युद्ध में पांडवों की ही जीत हो। संजय, तातश्री ने यह क्या किया? कौरवों के शत्रुओं को विजय का आशीर्वाद दे दिया। महाराज, भीष्म पितामह ने अपने शत्रुओं को नहीं, अपने पौत्रों को आशीर्वाद दिया है। प्रणाम कुरुदेव, कल्याण मस्तु। कुरुदेव, आप तो जानते हैं कि आपका शिष्य आपकी आज्ञा के बिना ना तो एक बाण ही छोड़ सकता है, ना ही आपके आशीर्वाद के बिना यह युद्ध जीत सकता है। जानता हूं युधिष्ठिर, और यदि तुम आज्ञा लेने ना आते तो हमारा जी यही चाहता कि तुम हार जाओ। हे धर्मराज, जिस पक्ष में धर्मराज और धर्म पिता श्री कृष्ण हो, जीत तो उसी पक्ष की होगी ना। मैं भी यही चाहता हूं कि जीत धर्म की हो, अधर्म की नहीं। परंतु। परंतु क्या गुरुदेव? परंतु जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर को नहीं छोड़ती, तुम युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए अपने गुरु की बात याद रखना, युद्ध जीतने के लिए तुम सब भाई मिलकर मेरी हत्या कर देना। नहीं गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे तो अच्छा है कि आप हमारी ओर से। नहीं धर्मराज, हम आपकी सेना का पक्ष लेकर कौरवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते। आयुष्मान भाव, हे युधिष्ठिर, आपकी असल चिंता क्या है मैं जानता हूं। मैं चिरंजीव हूं, इसलिए कोई मेरा वध नहीं कर सकता। परंतु इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि मेरा जीना ही पांडवों के हित में है, क्योंकि मेरी हर सांस आपकी विजय के लिए प्रार्थना करेगी। जाओ, विजयी भव। यदि कौरवों के सभी गुरु और पूर्वज पांडवों की ही विजय की प्रार्थना करेंगे तो कौरवों का क्या होगा? ये पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, इन सबके तन तो अवश्य कौरवों के साथ हैं, परंतु मन पांडवों के साथ है। संजय,
पांडवों के साथ। हे धर्मराज, तुम्हारे ये मामा शल्य महाराज अवश्य है, परंतु वो अपने वचन की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। आपने संकोच अपना वचन निभाइए, परंतु ज्येष्ठ होने के नाते आप हमें उपदेश भी दीजिए, जिससे हमें युद्ध में सहायता मिले और हम युद्ध जीत जाएं। धर्मराज, तुम कहना क्या चाहते हो, स्पष्ट रूप से कहो। मामा श्री, इस संसार में केवल दो ही सर्वश्रेष्ठ सारथी हैं, इनमें से एक हैं श्री कृष्ण और दूसरे हैं आप। एक हमारे साथ हैं और एक कौरवों की सेना में। इसी तरह धनुर्धर अर्जुन इतने उच्च स्तर का योद्धा है, जिसकी युद्ध कुशलता पर युद्ध का परिणाम निर्भर करता है। अर्जुन जैसा युद्ध नीति में निपुण योद्धा कौरवों में कौन हो सकता है? है मामा श्री, और वो है कर्ण। कर्ण? हाँ मामा श्री, यदि कर्ण ने इस युद्ध का भार अपने कंधों पर उठाया तो वो अवश्य आपको ही अपना सारथी बनाएगा। ऐसा होना अति संभव है। यदि ऐसा हुआ और उस स्थिति में जब आप कर्ण के सारथी होंगे, तो उसे बातों में उलझाकर आप उसका ध्यान भंग कर सकते हैं। हां मामा श्री, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस तरह आप कौरवों के साथ युद्ध करके अपना वचन निभाएंगे और कर्ण का तेजो भंग करके धर्म का साथ देंगे। धर्मराज, तुमने धर्म की सेवा का यह अनोखा मार्ग दिखाकर मेरे मन की बोझ को हल्का कर दिया। जाओ और युद्ध का प्रारंभ करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण तो इस युद्ध में एक सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, फिर वो किसी योद्धा से पहले शंख बजाकर युद्ध की घोषणा कैसे कर रहे हैं? देवी, ये केवल एक साधारण युद्ध नहीं है, धर्म युद्ध है, जो एक ओर 100 दुर्गुण और दूसरी ओर 5 सद्गुणों के बीच होने जा रहा है, और इन दोनों के बीच स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही धर्म के मार्गदर्शक हैं। देवी, भीष्म और आचार्य द्रोण अनुभव और ज्ञान के प्रतिबिंब हैं, जो 100 दुर्गुणों के दास बन गए हैं। 5 पांडव धर्म, बल, शौर्य, सौंदर्य तथा विवेक, इन 5 गुणों के प्रतिबिंब हैं। इन 5 गुणों के मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनना पड़ा, इसलिए इस धर्म युद्ध की शुरुआत शंख बजाकर भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। यह बड़ी गहरी बात है, जो ज्ञानी ही समझ सकते हैं।
भीमसेन की भयंकर गर्जना सुनकर कौरवों की सेना ही नहीं बल्कि हाथी घोड़े तक डरकर पीछे हट गए हैं। चलो सारथी, हमारा रथ भीम के रथ के सामने ले चलो, चलो। मत भीम, चीखने चिल्लाने से युद्ध नहीं जीता जाता, युद्ध तो अपने शौर्य से, अपने बाहुबल से जीता जाता है। तुम्हें अपने बाहुबल पर बड़ा गुमान है ना, परंतु जो पुरुष किसी स्त्री पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है वो बलवान होकर भी नपुंसक होता है। भीम, देखा सा सुनकर कैसे तिलमिला उठे हो तुम, याद है ना द्रौपदी को किस तरह बलपूर्वक उठा ले गए थे तुम। आज मैं अपनी उसी पत्नी के अपमान का बदला लूंगा। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही मेरे सामने आ गए, आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकेगा। सावधान भीम, सेन के भीषण प्रहार को महारथी जयद्रथ रोकने में असफल रहे और वो अचेत हो गए। हे गुरु कृपाचार्य, बचपन से ही पांडवों और सभी कौरवों को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सहित युद्ध की संपूर्ण शिक्षा दी है, तो फिर ये भीम अकेला ही कैसे कौरवों का विनाश कर रहा है। हे युवराज, आपकी चिंता का प्रमुख कारण क्या है? मेरी चिंता का कारण भीम है। भीम, बचपन से ही मैं इससे घृणा करता आ रहा हूं, और आज जब से मैंने मेरे जीजाजी महारथी जयद्रथ को युद्ध भूमि पर भीम के हाथों हारते हुए देखा है, तब से इस भीम के प्रति मेरी घृणा और अधिक हो गई है। आप ठीक ही सोच रहे हैं युवराज, आप ठीक ही सोच रहे हैं। यदि भीम के आक्रमण को रोका नहीं गया तो पागल हाथी की भांति वो कौरवों को अकेला ही पैरों तले रौंद डालेगा। परंतु गुरु द्रोणाचार्य का ऐसा कौन सा शिष्य है जो इस पागल हाथी पर अंकुश लगा सके? मैं लगाऊंगा भीम पर अंकुश। मैं अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य भी और पुत्र भी,
यह मेरे पिता और गुरु की शिक्षा का अपमान होगा। यदि उनके पुत्र अश्वत्थामा के होते हुए किसी और योद्धा को शत्रु भीम पर लगाम देने के लिए चुना जाए। वाह अश्वत्थामा वाह! अब गुरु भाइयों का युद्ध देखने का आनंद मिलेगा। जाओ अश्वत्थामा जाओ। चलो सारथी। ओ, तुम चलो सारथी। अश्वत्थामा, तुमने मेरे रथ को बाढ़ से छेद कर मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। हाँ भीम, तुम भी मेरे पिताश्री के शिष्य हो और मैं भी। देखते हैं हम दोनों में से कौन सा शिष्य अपने गुरु का मान रखता है। हे अश्वत्थामा, तुम मेरे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हो और मेरे गुरु भाई हो, इसलिए मैं चाहता था कि अपने शस्त्रों को तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारा सम्मान करूं। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम उन अधर्मियों के साथ हो जिन्होंने मेरी पत्नी पांचाली द्रौपदी का अपमान किया है। इसलिए तुम मेरे सम्मान के नहीं, मेरे प्रकोप के अधिकारी हो। सावधान। अश्वत्थामा, मुझे खुशी है कि पिताश्री का एक शिष्य ही युद्ध विद्या में उनके पुत्र से अधिक प्रवीण है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, सारथी शीघ्र ही रथ को यहां से कहीं दूर ले चलो, चलो जल्दी। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। हे संजय, भीम की विजय गाथा तुम्हारे मुख से सुनकर मेरा मन बेचैन हो रहा है। भीम पागल हाथी की भांति कौरवों को अपने पैरों तले रौंद रहा है। कौरवों के वीर महावीर योद्धा क्या कर रहे हैं? क्या कोई भीम के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकता? हे महाराज, रणभूमि पर तो घनघोर संग्राम चल रहा है। द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर शैल से युद्ध कर रहे हैं। द्रुपद पुत्र शिखंडी बालहीक के साथ युद्ध कर रहे हैं। और युवराज दुर्योधन? युवराज दुर्योधन पांडु पुत्र नकुल से लड़ रहे हैं। कौरव सेनापति पितामह भीष्म क्या कर रहे हैं?
पितामह भीष्म ने तो पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया है। महाभारत महासंग्रह।